सर इसकी विधि क्या है, कैसे कैसे इसको डालने के तरीके हैं। ठीक है, मुझे जी ऑर्गेनिटी आपने दे दिया है, तो मैं उसको कैसे डालूंगा, तो उसकी क्या क्या विधियां हैं उसको फसलों में डालने का, कि सिंचाई कैसे करें, क्या मिक्स करके डालें, कितना मात्रा लें, कितना ML लें, वो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जी सर, तो अलग अलग फसलों में इसका अलग अलग तरीके से डालने की विधि है सर। तो अभी हम लोग वर्तमान में हमारे सामने में धान का फसल है, तो अपन हम धान के फसलों में हम किस तरह से उपयोग करें, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग अभी धान का ही खेती हो रहा है, तो धान की खेती के बारे में ही अपन चर्चा करें। सबसे पहला चीज़, अल्टोस के ऑर्गेनिटी को आप धान का, अगर आप नॉर्मल घर में जो रखा हुआ बीज भी है, अधिकतर लोग मार्केट का उपचारित बीज लेके आते हैं, पैकेट वाला बीज लेके आते हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि कई बार हम मार्केट से जो बीज लाते हैं वो भी पूरी तरह से उगने में सहायक हो। लेकिन अगर आप घर का जो नॉर्मल बीज भी रखे हैं उसको अगर आप अल्टोस के ऑर्गन 80 में, जितना किलो आपका बीज है उतना ML, अगर सपोज 50 किलो आपका बीज है तो 50 से 100 ML ऑर्गन 80 आवश्यकता अनुसार पानी मिला के एक जगह पे, जमीन में छायादार जगह पे रख दें, बराबर मात्रा में पूरी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि ऑर्गन 80 लिक्विड में है, तरल में है, तो वो फैलने का काम करता है, और अगर मिक्स करें अच्छी तरह से तो पूरी तरह से ये मिल जाता है, और उससे क्या होता है, बीज का पूरी तरह से उपचारण हो जाता है, बीज जो है पूरी तरह से अंकुरित हो जाता है। अब उस बीज को आप अगर आप जमीन में ले जाके बोते हैं तो जमीन का भी ये ट्रीटमेंट कर देगा, जमीन को भुरभुरा बना देगा, और जहाँ पे कम नमी है तो कम नमी में भी उगने में सहायता हो देगा, और नमी ज़्यादा हो गया तो वो उस फसल को, उस धान को सड़ने नहीं देगा, प्रॉपर अच्छी तरह से अंकुरण करने में सहायक होता है। पहला तरीका, धान को हम बीज को उपचारित कर दें। दूसरा, जैसे हमारा फसल होता है 20 से 25 दिन का या 30 दिन के आसपास का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें आज जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वननाशक का, या निंदानाशक बोलते हैं, खरपतवार होता है, उस खरपतवार को उखाड़ने के लिए आदमी आजकल शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहा है। शॉर्टकट तरीका ये है कि मार्केट से हम दवाई लाए और दवाई छिड़काव करके हम उस खरपतवार को नष्ट करें। जब आप खरपतवार नाशी कोई भी दवाई अगर आप डालें, उसमें नॉमनी गोल्ड वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें तरह तरह की, कई नाम से मार्केट से आते हैं, उसको मिला के लेके आते हैं, वही जो है हमारे फसल में सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा करने का कारण है। एक समय में, आज से 20 साल 25 साल देखा जाए पहले, उस समय में खेतों में गोबर खाद का यूज़ किया जाता था, इस तरह से ज़्यादातर बीमारियां बिल्कुल नहीं होता था, और धान में तो बीमारी का नाम ही नहीं होता था। लेकिन जब से हमने बननाशक और ज़्यादा यूरिया और ज़्यादा DAP और ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करना शुरू किया, तब से बीमारियां होना शुरू हुए। तो उस समय में अगर आप जिस समय बननाशक डाल रहे हैं उस समय में आप अल्टोस के ऑर्गन 80 अल्टोग्रो को आप मिक्स करके डालें, तो बननाशक जो है आपका बन को मारने का काम करेगा, और हमारा ऑर्गन 80 जो है आपकी फसल को ज़्यादा हरा भरा, उसके जड़ को ना ज़्यादा नीचे तक जाने में, उसको पोला बनाने में और पौधे को ग्रोथ करने में सहायता प्रदान करेगा। तो पहला, बीज को उपचारित कर दिए। दूसरा, समय 20 से 25 दिन के अंदर में आप उसको स्प्रेयर करें, तो स्प्रे के माध्यम से। तीसरा, जब धान 82 की अवस्था होता है, या 82, कई लोग 82 नहीं करते, उनारी अवस्था, उनारी पद्धति से धान को उनारे रहते हैं, तो उस समय अगर हमें खाद वाद डालने की जरूरत होता है तो यूरिया DAP पोटास आवश्यकता अनुसार जो भी खाद हम डाल रहे हैं उस खाद के साथ मिक्स करके हम डाल सकते हैं, तीसरा अवस्था। और चौथा, धान जिस समय गर्भाधान की अवस्था रहता है, धान जिस समय पोटरियाने की अवस्था रहता है, जिस समय बाली निकलने की अवस्था, उस समय में हमारा अल्टोस के ऑर्गन 80 का अल्टोग्रो का अनिवार्य रूप से डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय डालने से होगा ये कि धान में जो कंसा है वो ज़्यादा कंसा आएगा, उसकी जो बाली है बड़ी बाली आएगा, और उस बाली में जो धान में जो पकने की अवस्था होगा उसमें बदरा, जरा सा भी आपको बदरा नहीं रहेगा, पूरी तरह से दाना ही दाना आपको नजर आएगा। और जब धान जब पूरी तरह से पक के तैयार हो जाएगा, तो जिस खेत में ऑर्गन 80 डला है उस खेत के धान का वजन और चमक और लाइटिंग ज़्यादा रहेगा, और जिसमें नहीं डला है वो हल्केदार रहेगा और उसमें बदरा की संख्या रहेगा। तो धान में इस तरह से 3 से 4 बार करके हम एक एकड़ में एक डब्बा ऑर्गन 80 को मिला के डाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर बेहतर परिणाम हमें चाहिए तो जिस खेत में पहली बार हमें अल्टोस ऑर्गन 80 का यूज़ हो रहा है, एक एकड़ में आप 1.5 से 2 डब्बा को भी डाल सकते हैं पहली बार डाल रहे हैं। तो अगर जिस खेत में लगातार डल रहा है तो उस खेत में एक डब्बा को एक एकड़ में 3 बार करके आप आराम से डाल सकते हैं।
फिर एक अवस्था होता है बीच में, कभी आवश्यकता पड़ गया, जरूरत पड़ गया, तो हम लोग कोई भी खाद मिला के डालते हैं। तो उस खाद में आप ऑर्गेनिक को मिक्स करें, मिक्स करने से ये होगा कि वो जो यूरिया और डीएपी है आज जमीन में जाके पूरी तरह से वो घुल नहीं पाता। या कोई भी हम जैविक खाद डालते हैं, गोबर खाद भी डालते हैं ना, तो वो गोबर खाद जो कंडा के रूप में खेत में कई बार पड़ा रहता है, आप सब देखे होंगे किसान आदमी, मैं जब खेत में जाता हूँ तो कई बार देखा हूँ कि जब हम गोबर खाद डाले हैं वो सूख के कंडा के रूप में पड़ा है। लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनिटी पड़ गया या यूरिया डीएपी पड़ा है डाले हैं, वो भी जाके जस का तस पड़ा रहता है, लेकिन उसमें अगर ऑर्गेनिटी मिला दिए तो उसकी स्प्रेडर की यानी उसकी प्रभाव को बढ़ा देगा, यानी वो जितना काम करना चाहिए जमीन में जाके वो टोटल पूरी तरह से प्रॉपर काम करेगा। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। अब अभी फिलहाल धान का ही है तो धान में ही डालने की बात करते हैं सर। और अभी कुछ किसान जो है, बहुत सारे किसान साथी हैं जो सब्जियों में लगाते हैं। अब सब्जियों में ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे आसपास में होता है टमाटर की खेती। अब टमाटर में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पहला चीज़ टमाटर आप लगाए हैं, थरहा दिए हैं, उस थरहा में आप जो भी कीटनाशक डाल रहे हैं उसमें आप 10 से 15 ml डालना है। एक चीज़ और अब ऐड करना चाहूँगा, धान में हम लोग जिस समय डाल रहे हैं तो धान में चौथा अवस्था जब होता है उस समय हम स्प्रेयर करते हैं। स्प्रेयर में हमें प्रति स्प्रेयर 25 ml से लेके 35 से 40 ml तक हम प्रति स्प्रेयर डाल सकते हैं। ये है स्प्रेयर के माध्यम से। यूरिया डीएपी के माध्यम से डाले हैं तो जिस जितनी मात्रा में, अब अगर एक धमेला आप खाद लिया है तो उसमें एक ढक्कन दो ढक्कन ऐसे मिला के हमें मिक्स करके डालना है। अब रही सवाल सब्जियों में, तो मैं टमाटर के एग्जांपल देना चाहूँगा। टमाटर की अगर हमारा खेती है उसमें अगर हम डाल रहे हैं तो पहला, अगर टमाटर में थरा दिए तो थरा में कोई भी आप कीटनाशक, हल्का फुल्का कीटनाशक डाल रहे हैं उसमें आप अल्टो ग्रो को, अल्टो केयर को मिला के आप डाल सकते हैं ऑर्गेनिक को मिक्स करके। दूसरा चीज़, जब हमारा टमाटर लग के तैयार हो जाता है, लगने के बाद हम उसके ग्रोथ के लिए हम उसमें घोल डालते हैं, डीएपी का, राखड़ का, पोटास का, ऐसे घोल के घोल डालते हैं। उस घोल में ऑर्गेनिक को भी मिला के डालें तो ऑर्गेनिक को मिला के डालने से वो जो आसपास जो हमारा पौधा लगा हुआ है उस पौधे के आसपास के जमीन को ये भुरभुरा बना के तेजी से ग्रोथ करने में मदद करता है। और घोल जो है 2 से 3 बार किसान व्यक्ति घोल डालता है और आवश्यकता अनुसार हर हफ्ते में स्प्रेयर के माध्यम से छिड़काव करते हैं। तो खेती में सब्जियों में हमें स्पेशल ध्यान देना है कि मात्रा हमें ज़्यादा बढ़ा के नहीं डालना है ऑर्गेनिक का, क्योंकि वो तो हमें हर 15 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में डालना पड़ता है। तो आप 10 ml, 15 ml, 20 ml तक मैक्सिमम आप डाल सकते हैं सर, ये इसकी विधि है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डोमे जी, बहुत ही शानदार जानकारी। अब मैं जानना चाहूंगा सर, इनका रेट क्या है? मुझे अगर चाहिए, दो क्वेश्चन करूंगा, ये ऑर्गेनिक का क्या मुझे रेट है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर, अगर हम अल्टो सेंटर पायर लिमिटेड में अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं तो मुझे क्या रेट पड़ेगा, वो चीज बताएं। और दूसरी चीज, ये मुझे कहाँ मिलेगा? तो आपका मुझे मोबाइल नंबर चाहिए और आपका एड्रेस मुझे चाहिए ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करूं, ये प्रोडक्ट में ले लूं। दो क्वेश्चन जी सर। सबसे पहले ये कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले चीज, ये इतना बहुमूल्य चीज है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्टोस की ऑर्गेनिक अगर आप पूरी मार्केट में ढूंढ ले या पूरी धरती में ढूंढ ले, कृषि केंद्र में चले जाए और आप कहीं पर भी चले जाए, तो या आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ये अगर आपको मिलेगा तो अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो सेंटर है वहाँ पे अवेलेबल होगा। और इस प्रोडक्ट की इतनी खासियत है सर कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है, धरती में ढूंढने से कहीं मिलने वाला चीज़ नहीं है। और किसानों के लिए तो मैं शुरू में भी बताया कि वरदान स्वरूप प्रोडक्ट है ये अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। और सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे कंपनी के CMD साहब, रिनाल्ड आयुर्वेद डॉक्टर सोनी गुप्ता सर, जो किसानों के लिए इतना शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है कि किसान जो है कम लागत में बेहतर खेती कर सके और अपनी जमीन का ट्रीटमेंट कर सके। आज अगर देखा जाए सर कि आज जितनी भी सारी समस्या हो रहा है, चाहे उत्पादन क्षमता को लेके हो, चाहे जमीन की ट्रीटमेंट को लेके हो, वो टोटल जमीन बिगड़ चुका है। आज पंजाब और हरियाणा में जमीन जो है पूरी तरह से काला हो चुका है, इतना पेस्टिसाइड डाल के हम उसमें उपजाऊपन क्षमता को ख़त्म कर चुके हैं। और वहाँ से लोग एक एक फीट जमीन को ऊपर से हटा रहे हैं ताकि उसमें अच्छा सा उपज वाला हम जमीन को सही ट्रीटमेंट कर सके। तो ये मिलेगा तो अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के का जो सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, या जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उस व्यक्ति के पास में मिलेगा। और इसके रेट के बारे में बात करूं तो रेट जो है, आज जो कंपनी जो निर्धारित रेट किया हुआ है सर, बहुत कम रेट में एक
आम आदमी को ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप देखें इसका जो एमआरपी है वो 635 रुपये है, लेकिन ये 635 रुपये नहीं सर, इसकी जितनी गुणवत्ता है, अगर ये 2000 रुपये भी हो तो भी कोई घाटा नहीं है। और मेरे हिसाब से इसका रेट इतना कम है, ये कम से कम में 1500 से 2000 तक तो होना ही चाहिए सर, जिस तरह से इसकी गुणवत्ता है, जिस और तरह से ये काम सर करता है। एक मिनट आपका लेना चाहूंगा, ऑर्गन एटिका एमआरपी 635 रुपये, जी सर, और ये कितने में काम आएगा, कितने मिल का आता है और कितने एकड़ में लगेगा? ये जो है 635 रुपये का 1 एकड़ के लिए काम आएगा सर, 2 बार करके आपको इसको यूज करना है। यस ऐसा है सर ठीक। जी। और अल्टो तो केयर का क्या रेट है और अल्टो ग्रो का क्या रेट है? अल्टो ग्रो 400, अल्टो ग्रो 500 रुपये के आसपास है, अभी 520 रुपये हो गए हैं, और 520 रुपये में वो आपको 520 रुपये पड़ेगा, और अल्टो केयर वो है 480 रुपया, वो भी एक डब्बा जो है हम आधा एकड़ में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी 2 डब्बा लेंगे तो 1 एकड़ के लिए काम आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, अगर कोई व्यक्ति अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड से जुड़ जाता है तो वो इसको ये हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में 440 रुपये में प्राप्त होता है। अब 440 ठीक है, एक डब्बा को अगर एक डब्बा अगर आपने लिया 635 रुपये एमआरपी, इसका डीपी रेट है 440 रुपया, और अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को या किसी अनजान व्यक्ति को इसके बारे में फायदा बता के अगर हम बेच देते तो हमें 195 रुपये मुझे जो है प्रॉफिट मिल जाता है सर। और इसकी एक और खास बात है कि ये चूंकि हमारी कंपनी ये 3+1 के ऑफर में, यानी तीन खरीदे तो तीन के साथ एक फ्री, अगर आप 4 डब्बा एक साथ लेते हैं 440 के रेट के हिसाब से, ये होता है 1320 रुपया, तो 1320 रुपये में हमें ये 4 डब्बा प्राप्त होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को 4 डब्बा को अगर हम बेच देते हैं तो एमआरपी रेट में देखा जाए 635 के हिसाब से 4 डब्बे का, तो 2540 रुपया होता है, यानी 1320 में लेके 2540 में अगर हम सेल आउट करते हैं तो हमें यहाँ पे 1220 रुपया का शानदार बेनिफिट एक सेट के माध्यम से होता है सर। अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट है ये। एक पीस से मुझे 195 रुपये का मुझे बेनिफिट मिलेगा, जी ग्रेट। सर, और आप बता रहे हैं सर, अगर इसमें अगर टूस इंटरप्राइज लिमिटेड में अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहा हूँ तो उसमें तीन के साथ एक फ्री भी है, वो यस सर, भी ग्रेट, बहुत बढ़िया है। और अल्टो केयर अल्टो ग्रो में उसमें भी क्या ऑफर है क्या सर? अल्टो ग्रो में भी 1+1 का ऑफर है सर, क्योंकि अल्टो ग्रो कंपनी जो है 1 एकड़ में वो एक डब्बा को जो है वो है 250 ml का है, और 250 ml जो है वो आधा एकड़ के लिए काम आएगा, तो 1+1 के ऑफर में है अल्टो ग्रो, वो आपको 520 रुपये में आपको 2 डब्बा मिलेगा, यानी 1 एकड़ के लिए वो पूरा प्रॉपर वो उसका पैकेज है सर। दूसरा चीज, अल्टो केयर भी 1+1 के ऑफर में है, वो भी आपको 480 रुपये में आपको 2 मिलेगा, यानी वो भी 1 एकड़ के लिए प्रॉपर रूप से काम में आता है सर। तो उसमें एक चीज अब मुझे बताएंगे सर, मुझे अगर इनकम लेना है, अब बात आ रही है इनकम की, एज अ जी सर, डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ किसान, अगर मैं रिटेलिंग करना चाह रहा हूँ, जी मैं इस बिजनेस को साइन कर लेता हूँ, मैं बिजनेस में ज्वाइन हो जाता हूँ, अगर मैं रिटेलिंग करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट, में महीने में कितना कमा सकता हूँ? जैसे आप बताए एक पर पीस मुझे बताएंगे और ये अभी तीन के साथ एक फ्री, मतलब एक सेट में क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? और शायद आप बता रहे थे एक पेटी, अगर एक पेटी में उठा रहा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो अगर कैलकुलेशन मुझे बता दें कि एक डब्बा अगर मैं सेल आउट करूं मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, और एक सेट में क्या मिलेगा और एक पेटी में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा कैलकुलेशन बताएंगे सर। जी सर, थैंक यू सर। सभी साथी, आज हम लोग अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ में जुड़े हुए हैं, और सभी लोग अल्टोस के ऑर्गेनिटी का सब ने रिजल्ट पाया है, और अल्टो ग्रो का, अल्टो केयर का सारा चीज़ ज़बरदस्त है, लेकिन जिस तरह से हमारी कंपनी इसको रेट को निर्धारित करके दिया हुआ है, और अगर प्रॉपर वर्क किया जाए, सबसे पहली चीज़ है सर कि हमें क्या चाहिए। एक व्यक्ति, एक डिस्ट्रीब्यूटर साथी, एक कंसल्टेंट साथी है, अगर उसकी चाहत जितना होगा उतना बड़ा इनकम है अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से, केवल केवल और केवल आप हेल्थ को भूल जाएं, ब्यूटी को भूल जाएं, केवल खेती के प्रोडक्ट में भी अगर काम करें तो लाखों रुपए का इनकम कर सकते हैं। मैं अभी कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से आप सबको दिखाना चाहूँगा साथियों, कि इसका जो एमआरपी मैं जैसे बताया 635 रुपये, डीपी में हमें पड़ेगा 440, एक डब्बा अगर हम सेल आउट करते हैं तो 195 रुपये का शानदार प्रॉफिट बेनिफिट हमें प्राप्त होता है। अब इसकी बिजनेस वैल्यूम का भी हमें कंपनी प्रॉफिट इनकम देता है, तो वो है 220 बिजनेस वैल्यूम हमें एक डब्बे से प्राप्त हो रहा है, यानी एक डब्बा बेच के हमें 195 रुपये का बेनिफिट
ले सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक सेट में, यानी 4 डब्बा अगर कोई व्यक्ति सेल आउट करता है उसको हम खरीदी में हमें पड़ता है डीपी रेट में 1320 रुपया, उसको अगर हम एमआरपी में सेल करते हैं ये जाता है 2540। 2540 में 1320 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 1220 रुपया का हमें यहाँ पे शानदार बेनिफिट प्राप्त होता है। इसमें 660 बीवी बनता है। अब 660 बीवी का 5% भी अगर मैं बात करूँ तो 3300 रुपया और आपके अकाउंट में आएगा, तो टोटल 1253 रुपया का एक सेट बेच के आपको बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया एक सेट, अब 10 सेट की बात करूँ मैं, 10 सेट यानी कि अगर 3+1 के ऑफर में बात की जाए तो 40 पीस। अगर आप 40 पीस का टारगेट बना के काम करते हैं तो इसका जो एमआरपी होता है वो 25,400 रुपया 10 सेट का 40 पीस का, और इसका डीपी रेट होगा वो है 13,200 रुपया, और इसमें जो हमें जो बेनिफिट जो प्राप्त होगा रिटेलिंग इनकम वो है 12,200 रुपये का शानदार बेनिफिट। इसमें जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा 6,666 बिजनेस वॉल्यूम, इसको अगर मैं 14% के माध्यम से वो करूँ तो 924 रुपये और हमारे अकाउंट में आएगा, टोटल 13,124 रुपये मात्र 40 पीस ऑर्गेनिटी को सेल करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। साथियों अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा टारगेट बड़ा है मैं बड़ा करना चाहता हूँ, आप 25 सेट का प्लानिंग कर सकते हैं 100 पीस का। 25 सेट 100 पीस का अगर प्लानिंग करें तो उसमें अगर इसकी डीपी एमआरपी रेट है ये होगा 63,500 रुपये, अगर डीपी में मैं बात करूं तो डीपी में ये होगा 33,000 के डीपी में होगा, और 63,500 में मैं 33,000 माइनस करूं तो ये 30,500 रुपये का शानदार यहां पे रिटेलिंग इनकम हमें प्राप्त होता है। इसमें जो बिजनेस वैल्यूम हमें प्राप्त होगा 16,500 का बिजनेस वैल्यूम, अगर 14% अगर इसका निकाले तो ये होगा 2310 रुपया, टोटल 32,810 रुपया मात्र 100 पीस ऑर्गेनिटी को सेल करके आप कर सकते हैं। और मैं आगे लास्ट में एक कैलकुलेशन बताऊंगा कि एक एक व्यक्ति 20-20 पेटी कैसे सेल कर सकता है, उसका भी मेरे पास में एक फार्मूला है, मैं उसको अब जरूर आपसे शेयर करूंगा। फिर आगे सरसरी तौर पर मैं आगे बताना चाहूंगा 50 सेट का अगर आप प्लानिंग करते हैं, 50 सेट यानी 200 पीस का प्लानिंग करते हैं तो 200 पीस को अगर आप डीपी में देखें तो यह होगा 66,000 रुपये का, अगर इसको आप एमआरपी में सेल आउट करते हैं तो 1,27,000 होता है। यहाँ पे डिफरेंस इनकम जो हमें रिटेलिंग इनकम मिलेगा वो 61,000 रुपये का रिटेलिंग इनकम, और यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा वो 33,000 बिजनेस वॉल्यूम, इसका 14% अगर देखा जाए तो यह होगा 4,620 4,620 का, टोटल 65,620 का बेनिफिट यहाँ पे हम ले सकते हैं मात्र 200 पीस ऑर्गेनिटी को सेल करके। और अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप बोलेंगे सर कि मुझे 100 सेट करना है, 400 पीस में एमआरपी रेट करूँगा तो 400 पीस में निकालेंगे तो यहाँ पे इनकम होगा वो है 400 पीस अगर आप ऑर्गेनिटी को सेल करते हैं तो टोटल रिटेलिंग इनकम सारा चीज करके 1,31,240 रुपये का शानदार बेनिफिट 100 सेट में होगा, और 200 सेट 800 पीस का अगर आप प्लानिंग करते हैं तो 2,62,62,480 रुपये का शानदार बेनिफिट यहां से आप ले सकते हैं। और व्यक्ति चाहता है कि 250 सेट 1,000 पीस का अगर आप टारगेट बना के काम करें तो उसमें आप 2,15,000 रुपये का इनकम यहाँ पे ले सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति 500 सेट का प्लानिंग करे तो 6,35,000 का प्लानिंग करके, अगर 500 सेट यानी 2,000 पीस का प्लानिंग करके काम करे तो इतना बड़ा इनकम ले सकता है, और लास्ट 1,000 सेट 4,000 पीस का अगर आप प्लानिंग करें तो 4,000 पीस के अगर प्लानिंग में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है इसमें इनकम आपको प्राप्त होगा वो है 1,260,000 रुपये का इनकम। तो एक व्यक्ति की चाहत के हिसाब से यहाँ पे इनकम आने वाला है, मुझे कितना चाहिए मेरे अंदर जितना विल पावर रहेगा सर मैं उतना बड़ा इनकम इस अल्टोस के ऑर्गेनिक केवल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में, और एग्रीकल्चर का अभी हमारे पास में बहुत बड़ा अभी मार्केट है, सीजन है, अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा साल पूरा एग्रीकल्चर में चलने होने वाला है, बहुत बड़े बड़े किसान है, जाके प्रॉपर घर से निकल के प्रॉपर वर्क करके सही सही जानकारी देने की जरूरत है। और जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल पर्सन 20-20 पेटी का तो ऐसी चुटकी बजा के बेच सकता है सर, उसका एक टेक्निक है, इस टेक्निक का अगर आप सब उपयोग करें कि हर गांव में किसान व्यक्ति है और हर किसान के पास में ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 एकड़ 1 एकड़ से ऊपर तो सबके पास में खेत है,
देखा जाए तो, और हर व्यक्ति खेती बाड़ी से जुड़े हुए, और 4 से 5 एकड़ वाले एवरेज लोग बहुत ज़्यादा है, 50% 60% लोग है, 10 एकड़ वाले लोग भी 40%, आपको 30 से 40% लोग मिल जाएंगे, 15 से 20 एकड़ वाले लोग थोड़ा सा कम है। तो ऐसे बड़े बड़े किसान लोग हैं, छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, सब तरह के किसान लोग हैं। और एक व्यक्ति का अगर मैं 20 पेटी, सीधा सीधा मैं अगर 200 पीस की अगर बात करूँ, 200 पीस यानी कि 50 सेट का अगर मैं बात करूँ, तो 20 पेटी तो आदमी आराम से इजीली निकाल पाएगा, कि उसका जो फार्मूला है एक, और ये पूरा महीने की बात कर रहा हूँ ना सर, ये अगर मैं बात कर रहा हूँ वो एक महीने में, पूरे महीने में अगर आप चाहें तो 20 पेटी इजी तौर पे आप सेल कर सकते हैं। हर व्यक्ति किसान है, आप इसके लिए, इसके लिए एक फार्मूला है कि गांव में जो सरपंच है, गांव का मुखिया है, उसको आप पकड़े और उसको बताए कि भाई साहब हम आपके गांव में फ्री में एक किसान सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें हम किसानों को मुफ्त में एक ऐसा सलाह देंगे जिसमें कम लागत में वो कैसे जबरदस्त खेती कर पाएगा और कैसे अपने लागत, खेती में कम लागत को करके कैसे ज्यादा ज्यादा बेनिफिट ले पाएगा। तो आप अपने गांव में किसानों को, ज्यादा ज्यादा किसानों को आप अपने पंचायत में, भवन में, कहीं पे भी आप बुलाए, अपने घरों में बुलाए, 10 20 25 50 किसानों को बुलाए, आप वहां पे जाए और प्रॉपर जानकारी दे। अगर 50 किसान वहां पे बैठे हैं तो मेरा दावा है कि कम से कम 15 से 20 व्यक्ति तो तुरंत अगर एक एक पीस डेमो के रूप में मिलेंगे तो 20 पीस आपका ऐसी निकल जाएगा, यानी एक पेटी आपका खत्म। इसी तरह करके आप 10 गांव का चयन कर लीजिए। अब 10 गांव का अगर आप वहां पे चयन करेंगे तो 10 गांव में एक एक पेटी भी बिका तो 10 पेटी आपका इसी बिक गया। पूरे महीने में मैं जो 20 पेटी का जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो बहुत कम है सर, बहुत कम है। आप 50 पेटी 100 पेटी और 1000 पीस आप निकाल सकते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति चाहे तो केवल और केवल रिटेलिंग करके 60,000 1 लाख रुपये तो इजी तौर पर कमा सकते हैं सर। और इसमें का जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, उस बिजनेस वॉल्यूम का मैं कोई हिसाब किताब नहीं बताया हूँ, उस बिजनेस वॉल्यूम को हमारे और आपके भाषा में अगर सिस्टमेटिक उसको प्लानिंग करके, स्ट्रक्चर में अगर सेटिंग करके, अगर खोचा मार के अगर प्लानिंग करें तो बड़ी बड़ी पीने और बड़े बड़े इनकम को हम लोग हिट कर सकते हैं। और सब लोग लबालब रहेंगे, किसी व्यक्ति को ये नहीं बोलने बोलने की जरूरत है मेरे पास पैसे की दिक्कत है सर, कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। अगर अल्टो उसके साथ में है और कर्म करने के लिए तैयार है और अपने आप को पूरी तरह से वो झोंकने के लिए तैयार है तो, और मैं पर्सनल टारगेट लिया बनाया हूँ सर, और मैं लगातार अभी मैं 3-4 पेटी सेल कर चुका हूँ, और मेरा पर्सनल टारगेट है कम से कम मैं 2000 पीस तो कम से कम इस साल मार्केट में मैं सेल करूँ, ये मेरा पर्सनल टारगेट है। बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें इसी बेहतरीन जानकारी के लिए। कैलकुलेशन आपके सामने रखा गया, अगर 1000 अगर हम लोग पीस अगर सेट अगर बेच रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि करीब करीब 4000 पीस होगा, उसमें 12 लाख रुपए इनकम हम ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। तो कुछ कुछ साथी है, मैं समय को ध्यान रखते हुए कुछ कुछ हमारे जो सीनियर साथी हैं जो इस फील्ड में काम किए हैं उनको क्या रिजल्ट है उनका फीडबैक हम लोग लेते हैं समय को ध्यान रखते हुए। जो मैं टीवी स्क्रीन में, जो मोबाइल स्क्रीन में जो दिखेगा उन सबसे मैं बात करूंगा। जैसे कि भुवनेश्वर वर्मा जी हमें दिख रहे हैं, वो बहुत सारे रिटेलिंग करते हैं। तो सर आपने ऑर्गेनिक का रिटेलिंग किया, क्या बेनिफिट है और अभी क्या टारगेट रखते हैं सर आज के प्रोग्राम को देखने के बाद? भुवनेश्वर वर्मा जी, भुवनेश्वर वर्मा जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, ग्रेट मॉर्निंग, खुश रहिए। सर आज का जो डोमेश साहू सर और द्वारका साहू सर के माध्यम से एल्टोस के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ऑर्गेनिटी अल्टो केयर और अल्टो ग्रो के बारे में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिला है, और इसमें तो मैं लगातार काम ही कर रहा हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट का है, और मैंने बहुत सारे किसानों को इसको दिया हुआ है। तो आज का जो सर ने और बहुत सारे जानकारी दिए हैं जिससे मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला है, और मार्केट में मैं जाके इसको और ज्यादा से ज्यादा किसान लोगों को बताऊंगा, और इस माह तो मैं अपना जो 10 पेटी का भी इस महीने में अभी जो बचा हुआ दिन है उसमें मैं अपना टारगेट सेट किया हूँ, और नेक्स्ट मंथ में सर मैं कम से कम ना 20 पेटी कम से कम ना मैं नेक्स्ट मंथ का मैं टारगेट रहेगा, और मैं सिर्फ ऑर्गेनिटी पे ही काम करूंगा और पूरा हर गांव में जाके डेमो दिखा दिखा के मैं उसको सेल करूंगा सर, हर किसान के पास जाना चाहूंगा मैं। चलो तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं ये है भुवनेश्वर जी। इसी कड़ी में मैं आगे हमारे एक सीनियर साथी उनसे मैं बात कराऊंगा।
जो अपने खेतों में खुद यूज किए हैं, तो और इस प्रोग्राम से कितना टारगेट ले रहे हैं, वो है भागवत साहू जी, जो मेरे स्क्रीन में भागवत जी, और आप सुन पा रहे हैं सर भागवत जी हैं? हाँ भागवत जी, आपने किन फसलों में ऑगमेंटिक हमारे अल्टोस का प्रोडक्ट यूज किए हैं और क्या रिजल्ट है, और अभी क्या तैयारी सर, कितना पेटी सेल आउट कर रहे हैं? साउंड सर, साउंड हाँ जी भागवत जी, आवाज जा सर। जी हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ मैं, हाँ सर, ऑर्गेनिक यूज किया है सर। मैं एक किसान परिवार हूँ और खेती सब्जी की काम कर रहा हूँ, और उसमें मैं डाला हूँ ऑर्गेनिक टी, ऑटो ग्रो ऑटो केयर, जो बरबट्टी, कोहड़ा और तुमे की झाड़ है, उसमें डालने से इतना उसका रिजल्ट है सर, जो 1 महीना 2 महीना नहीं, कम से कम 11 महीना हो चुका है सर, उसका लाभ ले रहा हूँ। इतना पौधा तैयार है, इतना फल फूल दे रहा है, इतना बेहतरीन रिजल्ट है सर उसका। तो इस महीने का टारगेट है सर कि कम से कम 10 पेटी तो बेचूंगा ही, गांव गांव में जा करके उसका प्रमोशन करेंगे और उसको किसानों की लाभ देंगे सर। ठीक, ये है भागवत जी हैं, वो अपने खेत में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और 15 पेटी 20 पेटी का इन्होंने टारगेट दिया है। आगे कड़ी में बात करूं मैं, नरेश वर्मा जी मुझे दिख पा रहे हैं, नरेश जी, नरेश जी हैं तो जो वीडियो में है साथी उनको मैं ले पाऊंगा जो। हाँ नरेश जी, तो आपने अपने खेतों में यूज किया, किसान भाइयों को दिया है, क्या रिजल्ट है सर, और अभी क्या टारगेट है आपका? गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग जी, बहुत बेहतरीन जानकारी दिए हैं द्वारका सर जी ने और डोमेश सर जी ने, कि हमें जैसे फील्ड में निकलते हैं तो बेहतरीन हम वर्क कर सकते हैं, और मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है मेरे को, और बहुत बढ़िया मार्केट में भी हम लोग रिटेलिंग कर सकते हैं। तो इस महीने का मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 1,000 सेट रहेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसी कड़ी में मैं जो वीडियो में उनके सीनियर साथी हैं वो मैं इनको लेना चाहूंगा, ये है सुरेश पांडे जी, सुरेश पांडे जी हैं, डायमंड अचीवर भी हैं। तो सर आप ऑर्गेनिक के लिए क्या तैयारी सर, और क्या टारगेट है सर? साउंड जी सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। हाँ सुरेश जी, सुरेश पांडे जी, जी मैं भी कम से कम सर ऑर्गेनिक को मैं 10 पेटी सेल करने का टारगेट रखा हूँ सर। जी 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 बड़े ग्रेट 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 ग्रेट। और जी आप सर, जिस क्षेत्र में रहते हैं सर, उसे उस क्षेत्र में बहुत मांग है सर इसका। जी सर, जी सर, आज हम लोग जाएंगे सर और किसानों के पास में, और मैं बताया भी हूँ किसानों लोगों को कि ऑर्गेनिक के बारे में, जी तो वो लोग तैयार है सर। जी 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 चलो जी ठीक है, बहुत चलो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी ब्रेक पांडे सर, जी। जी सर, और इसी कड़ी में जो वीडियो मुझे दिख रहे हैं, रजनी मैम आप वीडियो में दिख रहे हैं, तो क्या तैयारी है ऑर्गेनिक को लेके? आप ब्लू डायमंड हैं? मैम साउंड, मैम साउंड नहीं जा पा रहा मेरे को। तो नेक्स्ट कैटेगरी में मैं लूंगा, मैं जो मुझे वीडियो में दिख रहे हैं कुछ तो सीनियर साथी वीडियो में आ जाएंगे तो मैं उनको ले पाऊंगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में जो मुझे दिख रहे हैं वो है अशोक चंद्रवंशी जी। तो अशोक चंद्रवंशी जी
आपने यूज किया है तो उसका क्या रिजल्ट है और इस महीने का क्या टारगेट है ऑर्गेनिक लेकिन नाम से कुछ रे और डोमेश सर द्वारका सर को भी प्रणाम से बहुत जबरदस्त बताया है और आर्गन 80 तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर। मैं तभी लगभग 5-6 पेटी मैंने निकाल चुका हूँ, 1000 पेटी का टारगेट बनाया हूँ सर जी सर। उसका रिजल्ट भी जबरदस्त है, अभी पूरा भी गन्ना में धान में सर रहे सर। कैसे है रिजल्ट? गन्ने जबरदस्त रिजल्ट है सर, मैंने 5 पेटी निकाल चुका हूँ, मैं 1000 पेटी का टारगेट बनाया हूँ सर। अरे गजब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप धुआंधार करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया जी सर। ठीक, इसी कड़ी में मुझे जो वीडियो में देखना है, हाँ नीतू जी, आज प्रोग्राम में आप थे तो तैयारी है और किन फसलों में आपने उपयोग किया उसका अनुभव शेयर करें। प्रणाम सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। वैसे तो मेरे घर में अभी बाड़ी लगा है सर, उसमें सब्जी वब्जी का पूरा लगाए हैं, पूरा बाड़ी भर भाजी वाजी है, जो भी जितना भी है। तो पहले तो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब मेरे से स्पेशली उसका डिमांड किया जाता है और मेरे घर में भी मैं उसको MRP में ही देती हूँ, ये मेरी प्लस पॉइंट है। और खेती बाड़ी में भी डाला जाता है हमारे घर में, दो तीन लोग लेते हैं खेत को कृषि करने के लिए, तो हमारे खेत में तो डालते ही है, प्लस अपने खेत में भी डालते हैं सर। इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है और मेरा भी रहेगा, इसमें विशेष फोकस रहेगा। इसी कड़ी में मैं हमारे सीनियर साथी हैं जो ऑलरेडी खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं, प्लस उसमें स्पेशल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें मैं जानना चाहूंगा मुकेश मानिकपुरी सर। तो सर अभी ऑर्गेनिक के लिए क्या प्लानिंग है सर और किन किन किसानों को दिए है, उसका क्या रिजल्ट है, प्लस अभी क्या टारगेट है? नमस्कार सर, और डोमेश जी और द्वारका जी ने बहुत शानदार जानकारी दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि बहुत सारी जानकारी मेरे पास भी नहीं था और मैं इसमें लंबे समय से इसमें एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ और मैंने पिछले बार भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे एग्रीकल्चर में और इस बार भी बड़ी तैयारी है एग्रीकल्चर के लिए। और जो जानकारी उन्होंने बताया कि कैसे ज़्यादा सेल करना है वो मेरे को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि लोगों के पास जब तक अपन पहुंचेंगे नहीं, जब तक ज्यादा सेल का उम्मीद नहीं कर सकते, तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने की तैयारी करना। और इस बार मेरा जो टारगेट है कम से कम 1500 पेटी कम से कम बेचना है, ऐसा है टारगेट लगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रजनी मैम आप बताएं, कुछ तो बताएं, क्या टारगेट है? आप भी किसान परिवार से हैं, शायद आवाज नहीं जा पा रही है। नोकचंद मुझे दिख रहे हैं, वो भी किसान परिवार से हैं। तो नोकचंद जी आपका क्या टारगेट है ऑर्गेनिक लोगे और कितने लोगों को आपने दिया, क्या रिजल्ट है? प्रणाम सर, पूछ रही है। मेरा 1000 पीस का रहेगा सर। डन। यस सर। अरे गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नोकचंद जी हैं, इस तरह से बहुत सारे साथी हैं। तो जाते जाते मैं द्वारका जी से फिर इस बार बताना बोलना चाहूंगा कि सर आपका क्या टारगेट है सर ऑर्गेनिक को लेके, द्वारका जी। यस सर, मुझे सर 2-3 माह में मैं 100 सेट का टारगेट लिया हूँ सर। 100 सेट यानी 400 पीस रिटेल करना है, और अगर हम लोग 3 माह में अगर 400 पीस भी अगर रिटेल करते हैं तो अगर कम से कम अगर अमाउंट बोले तो 1-1.5 लाख रुपए ऐसी कमा सकते हैं सर जी। यानी 30,000-40,000 रुपए, 50,000 रुपए महीने का ऐसी आएगा सर जी सर। चलो ठीक है, और कुछ सीनियर साथी अगर है तो मैं जिनको लेना चाहूँ जो बता सकते हैं समय को ध्यान रखते हुए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं रमेश जी और द्वारका जी ने। रजनी मैम आ गई हैं सर। ठीक, अच्छा रजनी जी, हाँ बोलिए मैम। प्रणाम सर। हाँ कुछ रही। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। तो सर मेरा इस माह का टारगेट रहेगा सर 1000 पीस करूंगी करके। अरे गजब, आप तो इतिहास बदल दोगे फिर। जी सर। ठीक, 1000 पीस यानी कि समझ पा रहे हैं 12 लाख की इनकम। जी सर।
ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप किसान परिवार से भी हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और कोई सीनियर साथी अगर हैं जो छूट गए होंगे, जो वीडियो में हैं? हाँ सॉरी मैम, क्या है आपका? सॉरी मैम, शायद आवाज नहीं पा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है मैम आपका। चलो ठीक है, और बहुत सारे साथी हैं लेकिन समय हमारे पास कम है, तो कुछ बातें मैं थोड़ा सा कर दूं आप सबके बीच में, तो थोड़ा माइंड सेट और टारगेट लेके हम लोग काम करेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही धुआंधार होगा, और आप